पुणे पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी सफलता। लातूर स्वास्थ्य विभाग के सीईओ समेत चार अन्य महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा पेपर लीक में संदिग्ध भूमिका के लिए पुणे पुलिस ने उनको किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ शिवसेना नेता संजय राउत की हुई लंबी बैठक। बैठक के बाद बोले संजय राउत, पहले उद्धव ठाकरे से करूंगा मुलाकात और फिर हम इस बारे में बात करेंगे। इस बैठक के बाद खड़े हो रहे सवाल, क्या शिवसेना नेता संजय राउत होंगे यूपीए में शामिल। मुंबई हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को नोटिस जारी करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत में अंडरटेकिंग देने के बावजूद ज्ञानदेव वानखेड़े और परिवार के खिलाफ बयानों के संबंध में जानबूझकर उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए कि वह ऐसा नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर, सिलेंडर का वजन घटा सकती है सरकार। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब में इसकी जानकारी दी। इन दिनों चर्चित कपल बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल की राजस्थान के जिस किले में शादी होगी उस किले की तस्वीर आई सामने। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल एनसीपी ने शिवसेना नेता संजय राउत के सुर में सुर मिलाया। उन्होंने संजय राउत के देश में एक ही विपक्ष मोर्चा होने की बात का समर्थन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। ब्रिटेन अमेरिका में रह रहे दर्जनों रोहिंग्या शरणार्थियों ने फेसबुक पर मुकदमा दायर किया। फेसबुक पर उनके खिलाफ अभद्र भाषा एवं नफरत फैलाने का आरोप लगाया। आदित्य ठाकरे ने केंद्र सरकार के सामने दो अहम मांगे रखी। उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए योग्यता की उम्र सीमा 18 से घटाकर 15 करने की सिफारिश की, साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने वैक्सीन की दो डोज के बीच के अंतर को कम करने की भी मांग रखी। कोरोना प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने में ढिलाई, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका, ओमिक्रॉन की दहशत के बीच विदेश से मुंबई लौटे 295 लोग, 100 से ज्यादा लापता। महाराष्ट्र में और कम हुए आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम, अब 500 की जगह 350 रुपए में ही मिल जाएगी कोरोना रिपोर्ट। अफ्रीका के दोस्त से मिलने अमेरिका से लड़की मुंबई आई, फिर दोनों ओमिक्रॉन संक्रमित मिले, इस तरह महाराष्ट्र में आंकड़े 10 हुए। कैटरीना विकी की शादी पर आई सलमान खान पर मीम्स की बाढ़, लोगों ने शेयर किए मजेदार पोस्ट। चेचक की तरह ही तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन सिर्फ 24 घंटे में संक्रमण का शिकार बना सकता है, ये दावा किया गया है IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से, जिसने ओमिक्रॉन को लेकर फिक्र को और बढ़ा दिया है। यूपी में एनसीपी का है सपा को समर्थन, नवाब मलिक ने कहा 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी। पूरन देवी के साथ चंबल को थर्राने वाली मुन्नी बाई की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा, प्रशासन ने लगाई गुहार। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बोले ओमिक्रॉन का सामना करने के लिए भारत तैयार, ओरल ड्रग्स को मिले मंजूरी। देश भर में केवल यात्रा से संबंधित है ओमिक्रॉन के मामले, घबराने की जरूरत नहीं, एक्सपर्ट बोले। महाराष्ट्र चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों में ओबीसी सीटों पर चुनाव नहीं होंगे। ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा गंभीर नहीं, शीर्ष अमेरिका वैज्ञानिक फौजी का दावा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 518 नए केस आए सामने, 5 मरीजों की हुई मौत। संजय सिंह का राज्यसभा में नोटिस, कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग। अभिषेक बनर्जी के बैठक में गैर हाजिर रही अभिनेत्री, सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती, पार्टी ने भेजा कारण बताओ नोटिस।